इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं एक नई खबर। गोरखपुर आज शास्त्री चौक पर देश के विपक्ष की आवाज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह के घर पर मोदी सरकार द्वारा कथित रूप से ईडी द्वारा छापा डालकर परेशान करने के खिलाफ जिला प्रभारी प्रवीण यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रवीण यादव ने कहा कि सरकारी एजेंसियों ने भाजपा की मोदी का सरकार का पक्ष बनाकर बिना सबूत के विपक्षी नेताओं के ऊपर छापा मारकर परेशान कर रही है। महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार आगामी संसदीय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है। जनता भी अपना मन बना चुकी है कि मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुकी है। संजय सिंह के वृद्ध पिता की ईडी ने नजरबंद कर रखा है। इस समय देश में अघोषित आपातकाल जैसे माहौल बना हुआ है। कभी पत्रकार कभी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ई हरि ओम ने कहा कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। आज के धरना प्रदर्शन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिसमें मुख्य रूप से हरेंद्र यादव राजेश साहनी इमरान दानिश ऋतु सागर कुंज बिहारी सुशील यादव कौशल शैलेंद्र पांडे राजेश राजभर गोविंद गौतम फूलबदन ज्ञानचंद अमिताभ जायसवाल अजय साहनी ऋषि कपूर बेचन फौजी सुमंत यादव सहित तमाम नेतागण उपस्थित रहे। दबने वाला है ना झुकने वाला है। हमारे संजय सिंह के दाग होकर के निकलेंगे और इनकी खाद खड़ी करेंगे। हम लोग आज यही हम लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन करेंगे। देखिए सब पे भरोसा है लेकिन जब सत्ता के मकरजाल में एजेंसियां उलझ जाती हैं तो अपना स्वविवेक नहीं प्रयोग करती हैं और भाजपा इसमें माहिर है। सत्ता एजेंसी को कैसे दुरुपयोग में लाती है। आज आप लोग पुतला फूकने वाले थे, मोदी जी का पुतला कहाँ है आपका? मोदी जी का पुतला यहाँ पे जैसे ही हम लोग फूकने जा रहे थे, यहाँ के प्रशासन ने हम लोग के हाथों से पर्दे के पीछे ही इन लोगों ने छीन लिया है। हम इसकी गोरखपुर पुलिस की कड़ी बात सामना करते हैं और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी बातों को पुलिस प्रशासन यहाँ पे पुतला फूकने नहीं देगा। तब तक हमें हाथ नहीं हटेंगे। संजय सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।